हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी जानते हैं कि अभी जो MIUI 9 का स्टेबल रोम रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेटिंग में जाके, जो आप चूज़ फॉर अपडेट पैकेज में जाके विदाउट बूट लोडर अनलॉक किए चले गए हैं बीटा में, तो वो बीटा से स्टेबल में कैसे आएगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है उन सब लोगों के लिए है जो बीटा से स्टेबल आना चाहते हैं, जिसका बूट लोडर लॉक है, तो और जिसका तो बूट लोडर अनलॉक है उसका भी तो एकदम इजी है, तो उसके लिए तो एकदम मेरा जो स्टेप अभी दिखा है वो तो सेम है। और जिसका बूट लोडर लॉक है तो उसको करना ये है कि तो पहले जो MI के पेज में जाके तो बूट लोडर अनलॉक रिक्वेस्ट करना होगा, फिर 10 दिन वेट करना होगा। 10 दिन वेट करने के बाद आप ये प्रोसेस जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ ये करना होगा। तो क्या करना क्या होगा पहले देखेंगे। जो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ ये है रेडमी 4 और इसका बूट लोडर अनलॉक है। और इस फ़ोन अभी जो है बीटा रोम में है, जो लेटेस्ट बीटा आज का रिलीज़ किया गया जो बीटा है उस रोम में है। तो अभी मैं इसमें करूँगा क्या, जो स्टेबल रोम है इस रोम का उसे फ्लैश करूँगा। यहाँ पर देखो जो है ये है शांतनु ग्लोबल इमेजेस 8.2.5.0 जो रेडमी 4 का स्टॉक इमेजेस है। यह है इंडियन वेरिएंट, मैंने दिखा दिया है आपको पहले ही। तो क्या करना क्या होगा, पहले आपको डाउनलोड करना होगा TGZ वाला फाइल जो है उसे, ठीक है। उसके डाउनलोड करने के बाद उसे अनजिप करना होगा, तो फोल्डर को डायरेक्ट डेस्कटॉप में आपको पेस्ट करना होगा ताकि आपको आसानी हो फ्लैश करने में। डेस्कटॉप में फ्लैश करने के बाद आपको एक ऐप नमाना होगा, एक डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है मी फ्लैश, ठीक है। मी फ्लैश डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कर लेना और आपका फ़ोन का जो ड्राइवर है वो अपने लैपटॉप या PC जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें इंस्टॉल कर लीजिए। कर लेने के बाद आपको इधर 3 ऑप्शन मिलेगा, फ्लैश ऑल करना है, फ्लैश ऑल एक्सेप्ट स्टोरेज करना है, या फ्लैश ऑल एक्सेप्ट डेटा एंड स्टोरेज। क्या करना है आपको इधर सिलेक्ट करने लेना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा ब्राउज में, तो मैं अभी आपको प्रोसीड्योर दिखाऊंगा, तो वेट करना। देखेंगे कि मेरा डिवाइस अभी कनेक्ट है इससे, जस्ट नॉर्मल USB, ठीक है। तो मुझे इस डिवाइस को अभी बूट करना है इसकी फास्ट बूट मोड में। फास्ट बूट मोड से ही आप इसे फ्लैश कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो फास्ट बूट मोड में जाने के लिए क्या करना होगा, पहले आप तो डिस्कनेक्ट कर दो USB को, फिर आप मोबाइल को कर दो पावर ऑफ। देखेंगे, हुआ नहीं अभी, तो कर दिया मैंने पावर ऑफ अपने डिवाइस को। पावर ऑफ हो जाने के बाद आप 2 से 3-4 सेकेंड वेट कर लो, पूरा डिस्प्ले का लाइट ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं जो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा स्टेप परफेक्टली फॉलो कीजिएगा ताकि आपका मोबाइल का ना कोई नुकसान हो और आप मेरी जो बातें मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक से सीख सके। तो मेरा स्टेप परफेक्टली फॉलो करेंगे, अभी स्किप कर जाएंगे तो बहुत मिस्टेक हो जाएगा, स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर जाना, वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो। उसके बाद देखेंगे जो मेरा डिवाइस है इंडियन डिवाइस है, मैं दिखा दूँ, और जो मैं डाउनलोड किया गया रोम है वो भी ग्लोबल रोम है। आप देख के डाउनलोड कीजिएगा, ग्लोबल रोम ग्लोबल फ़ोन में ही चलता है, आप MTK वाला नहीं डाउनलोड करना। फिर क्या करना होगा आपको, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को प्रेस करना होगा एक साथ, पूरा फ़ोन ऑफ हो जाने के बाद। प्लस ऑन करने के बाद ही आप देखेंगे कि फास्ट बूट वाला एक लोगो आएगा और जो मी बनी है वो एंड्रॉयड को ठीक करते हुए एक लोगो आएगा। ये है इस सभी MI डिवाइस में एक ही ये लोगो आएगा। ये MI डिवाइस का लोगो है फास्ट बूट वाला। उसे कनेक्ट करने के बाद अगर आपका डिवाइस प्रॉपरली अपने लैपटॉप फिर आपका PC में इंस्टॉल है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका डिवाइस कनेक्ट है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपका ड्राइवर में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे देखेंगे, मैं भी दिखाऊंगा कि रिफ़्रेश, अगर इस एप्लीकेशन में एक बटन है रिफ़्रेश बटन, अगर रिफ़्रेश बटन दबाने के बाद भी आपका डिवाइस शो नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपका ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है। तो आपको रिसर्च करना होगा कौन सा ड्राइवर है, तो रिसर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेना अगर प्रॉपर ड्राइवर नहीं है। तो मुझे ड्राइवर इंस्टॉल है, तो ड्राइवर ठीक ठाक इंस्टॉल है, तो देखेंगे यहाँ पे डिवाइस का नाम दिखाएगा, क्या नाम है इस डिवाइस का, प्रॉपर नाम नहीं, बस कोड नेम दिखाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा फाइल आपको फ्लैश करना है। देखेंगे आप जो डाउनलोड किया है, देखेंगे 7915 ये मीडो, मतलब मेरा रेडमी नोट 4 एक दूसरा डिवाइस है उसका डिवाइस है। आप देख के रोम सिलेक्ट करना है यहाँ पे, यही है मेन पार्ट। अगर कोई दूसरा रोम सिलेक्ट करो तो आपका डिवाइस फ्लैश नहीं होगा। देखेंगे शांतनु और इमेजेस फोल्डर में आपको सिलेक्ट करना होगा, जो डेस्कटॉप में जो फोल्डर रखा है उसके अंदर एक इमेज फोल्डर होता है उसे सिलेक्ट करना होगा। नीचे टॉप फ्लैश ऑल में सिलेक्ट करने के बाद कर देना है रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद देखेंगे डिवाइस है ठीक ठाक कनेक्ट।
फिर आपको करना क्या है, फ्लैश ऑल सिलेक्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट स्टोरेज करना चाहते हो तो ठीक है, फ्लैश ऑल कर ले तो इसके लिए बेहतर काम करेगा। तो मेरा है मतलब मैं सबको सजेस्ट करूँगी फ्लैश ऑल ही करें। फिर उसके बाद दबा देना है आपको फ्लैश का बटन। फ्लैश का बटन दबाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपका जो यूएसबी वायर है जो मोबाइल से कनेक्ट है वो ज़रा भी ना हिले, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि MI का जो फ़ोन है उसको यूएसबी बहुत ही सेंसिटिव होता है, अगर वो डिसकनेक्ट थोड़ा सा भी हिले तो फाइल ट्रांसफ़र में कुछ इशू आया तो ये रुक जाएगा, आपका फ़ोन स्टक हो सकता है या फिर बूट लूप हो सकता है, फेल भी हो सकता है, हार्डवेयर भी ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखना कि यूएसबी लूज़ ना हो। देखेंगे अभी टाइम कितना है, 2:57, मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया इसे फ्लैश करना। तो अभी मैं वीडियो ऑन करूँगा, कुछ देर बाद इस प्रोसीड्योर को ख़त्म होने के बाद लगे बने रहे हमारे साथ। मैं अभी पूरा इसका डिटेल्स दिखाऊंगा कि इसे काम कैसे करता है, ठीक है। तो चलो अब हो गया है, देखें मेरा कंप्लीट हो गया है। देखें जो पॉज लिखा दिखा रहा है, इधर एक डॉलर का साइन आ रहा है, इधर पॉज दिखा रहा है। पॉज मतलब ये नहीं कि ये रिवाइज हुआ नहीं है, मतलब आपको कनेक्ट करे रहना है, इसका मतलब कोई नहीं। देखिए 3:04 है, पॉज है और मेरा एक आवाज़ आया है लैपटॉप के अंदर से, मतलब जो डिसकनेक्ट होने का जो आवाज़ है वो आ चुका है। और मैं अपना फ़ोन में दिखाएंगा कि MI लोगो, अगर अपना फ़ोन में MI लोगो दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपका फ़ोन का काम हो गया है, फ्लैश हो गया है। आप USB लगा के रखने के ज़रूरी नहीं है कि आपको USB लगा के ही रखना है, आप चाहे तो उसे USB निकाल भी सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका फ्लैश कंप्लीट हो चुका है। फ्लैश कंप्लीट होने के बाद देखेंगे यहाँ पे तब भी टाइम दिखा ही रहा है कि 4:43, 4:44, 4:45। इसका मतलब ये एक बग है, कोई बात नहीं, आप इसे क्रॉस भी कर देंगे, इस एप्लीकेशन को क्लोज भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फ़ोन कंप्लीट हो चुका है, मतलब $1 के पॉज का ना गया तो मतलब आपका हो गया है। मतलब फ़ोन में MI लोगो आना चाहिए, उससे पहले मत करना ये सब, मत इससे पहले इसे क्रॉस कर देंगे तो फ़ोन में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो हो गया है कंप्लीट इसे फ्लैश। तो देखेंगे मेरा फ़ोन अभी हो रहा है बूट, नीचे एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है और बूटिंग हो रहा है मेरा डिवाइस। तो बूट होने के बाद मैं फिर से वीडियो ऑन करूँगा, तो वेट करो। तो हो गया मेरा बूट फिनिश, टाइम दिखा दो आपको कितना टाइम हुआ है बूट करने में, इसे देखेंगे तो 3:09 तो देख सकते हैं, अभी 10 मिनट से 12 मिनट इसे लगा बूट ऑन होने में। बस ये है Redmi 4 का स्पीड, अब दूसरे फ़ोन दूसरा नॉर्मल स्पीड ही 10-12 मिनट ही होता है। तो आप देखेंगे कि 3:19 बज गया है, तो जो लोडिंग एप्स जो स्टेप होता है तो वो होने में कुछ टाइम लगता है, तो उसे अब हो गया है कंप्लीट। तो अब मैं जाऊंगा सेटिंग में, तो आपको दिखाऊंगा कि डिवाइस प्रॉपरली स्टेबल में आया है कि नहीं। तो सेटिंग में जाने के बाद, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद अब देखेंगे कि ये डिवाइस है 8.5, मतलब स्टेबल 8.5.2.0 MIUI वर्शन, ठीक है। इसका मतलब है कि ये डिवाइस प्रॉपरली अभी स्टेबल रोम में है। इसके बाद आप जो OTA अपडेट इसमें आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, OTA अपडेट अभी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, इजी है। देखेंगे वही डिवाइस है अभी जो मैंने कुछ देर पहले दिखाया था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और मुझे सजेशन दो कि किस टाइप की वीडियो मुझे बनाना है इसके आगे, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कोई जो इसे सीख सके। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, चलो आज के लिए बाय।